वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के तत्वावधान में वाल्मीकि समाज के लोग जनपद हाथरस के थाना चंदपा के अंतर्गत ग्राम बूलघड़ी पहुंचे, जहां वाल्मीकि परिवार के साथ अत्याचार हुआ, जिसका प्रत्यक्ष वाल्मीकि समाज पीड़ित बहन के साथ बलात्कार किया गया है, जिसकी संघ घोर निंदा करता तथा वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि, सत्यम राही, दीपक वाल्मीकि, करण सिंह वाल्मीकि, मनीष वाल्मीकि, राजकुमार वाल्मीकि आदि लोग मौजूद थे। आप बिल्कुल निश्चित रहें, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का समाज वाल्मीकि समाज आपके साथ है। वो जो घटना हुई है, हमारी बहन बेटी है मनीषा, जो उसके साथ घटना हुई है, हम पूरा समाज वाल्मीकि समाज आपके साथ है। आप ये ना सोचें शासन प्रशासन अगर इसमें कुछ नहीं करता तो चाहे हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़ जाए, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे आपको। बिल्कुल जी जी जी, क्योंकि उनके जीते जी मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से देख के जाएंगे हमारे भारत में कैसी एकता है, कैसी वो है, यहाँ लड़कियों को कैसे रखा जाता है, सब कुछ देखे अपनी आंखों से। जी जी बिल्कुल, कैसे सजा मिलती है ये भी देखे। आप बिल्कुल शांत रहिए, सब्र रखिए, ईश्वर बहुत बड़ा है, समाज शासन प्रशासन सब आपके साथ है, हर संभवतः मदद की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं जसपाल सिंह वाल्मीकि, वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का और स्थायी निवासी जनपद बोरा उत्तर प्रदेश से, हमारी बेटी हमारी बहन के साथ जिसका नाम मनीषा है, ग्राम भूलगढ़ी थाना जो है चंदप्पा जनपद हाथरस के अंतर्गत बहुत बड़ी ये घटना घटित की गई। कुछ स्वर्ण जाति के दंडों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ बहुत अमान्य व्यवहार किया, जिससे भारत ही नहीं उत्तर प्रदेश ही पूरे भारत के वाल्मीकि समाज में आक्रोश में व्याप्त थे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, यदि बहन मनीषा को उचित इंसाफ नहीं मिला तो एक वाल्मीकि समाज एक बहुत बड़ा आक्रोश जिसमें व्याप्त है, ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसमें उचित कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर यह साबित करना चाहते हैं कि उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है, दूसरी तरफ हमारे वाल्मीकि समाज का इतनी बड़ी घटना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3 घटनाएं हमारे समाज में ऐसी हुई हैं वाल्मीकि समाज में। सर्वप्रथम पहली घटना नोएडा में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया जाना, उन्हें निलंबित किया जाना। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कोरोना योद्धा असली कोई है तो सफाई कर्मचारी है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा चल रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी भाई वाली समाज कर्मचारियों को लाठी डंडों से मारा जा रहा है नोएडा के अंदर। दूसरी घटना बहुत गंभीर घटना, उत्तर प्रदेश सरकार में ये देखिए बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे समाज का ही प्रतिनिधि करता हमारी बड़ी बहन गीता साध्वी जी, जो इससे मौजूदा SST आयोग में दर्जा प्राप्त मंत्री ही हैं और सदस्य हैं, उनकी गाड़ी पर एक अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया, जिसमें शासन प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। तीसरी बहुत बड़ी घटना ये जनपद हाथरस में चंदप्पा थाने के अंतर्गत भूलगढ़ी ग्राम में हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बहुत नरसंहार किया गया है, जिसमें वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी को बहुत आघात पहुँचा है। मैं पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज से, पूरे भारत के वाल्मीकि समाज से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें हर प्रदेश से, हर जनपद से, हर ग्राम से यहाँ का इनको सहानुभूति दे और इस घटना को अंजाम देने के साथ कहीं ना कहीं ढील दिखा रहा है, शासन प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।